टर्म ऑफ एन एपीस क्यू। बेटा लेट द, ये बोर्ड में आया सीबीएसई में मार्च 2023, जो इस साल आपका पेपर था, और अच्छा क्वेश्चन था। मतलब बोर्ड वालों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, तो जिन्होंने एलिमेंट आरडी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी उनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं आई इसको करने में। ठीक है, तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, बोर्ड में कैसे करना चाहिए। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, और कॉमन डिफरेंस क्या ले लें बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया मैंने डी। अब बताओ पीएफ टर्म का मतलब क्या दे रखा है। पीएफ टर्म हमें इस क्वेश्चन में क्यू, पीएफ टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और वो क्या दे रखा है बेटा क्यू दे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, और सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, क्यू एट टर्म बी पी, तो ए प्लस ये सेकेंड इक्वेशन होगी। एन एट टर्म क्या होती है बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, तो पी एट टर्म क्या होगी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और वो दे क्या रखा है क्यू, और क्यू एट टर्म क्या दे रखी है पी। दो इक्वेशन बन गई, इन दो इक्वेशन से किस किस की वैल्यू निकाल लो, ए की भी और डी की भी, किस किस की वैल्यू निकाल लो, ए की भी और डी की भी, करें दो इक्वेशन को कैसे करते हैं, आपको आता है अगर मैं 1 माइनस 2 कर दूं यहाँ पे तो कट हो गया ये ऐसे, और यहाँ पे क्या बचेगा इस साइड, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इस क्यू माइनस पी। हाँ जी, अगर मैं डी कॉमन ले लूं यहां पे, तो माइनस क्यू प्लस वन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, और उधर से भी क्या हो गया बेटा क्यू माइनस पी है। अब देखो क्या कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, वन से वन हो जाएगा, डी इंटू पी माइनस क्यू, उधर क्या है क्यू माइनस पी है, तो लॉजिकली इधर पी माइनस क्यू है उधर क्यू माइनस पी है, तो माइनस वन पे कट होगा ना, यानी कि इसका अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ इसमें से, किसी एक तरफ से माइनस कॉमन ले लो, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा पी माइनस, तो डी की वैल्यू माइनस वन इस क्वेश्चन में, इसको अपने पास संभाल के रख लो, डी की वैल्यू क्या आई है बेटा माइनस वन, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू माइनस वन। अब ये माइनस वन किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या फर्स्ट में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, चलो यहां पुट करना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके दिखा रहा हूं, तो लिख देना पुट इन फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट में पुट करूं डी की वैल्यू क्या बेटा माइनस वन, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने डी की वैल्यू माइनस वन पुट कर दी तो ए माइनस पी प्लस वन, ए माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा क्यू, ठीक कह रहा हूं, तो ए की वैल्यू क्या आई बताना, पी प्लस क्यू माइनस वन, बोलो यहां तक समझ आ गया, ए की वैल्यू क्या आई पी प्लस क्यू माइनस वन, तो इस एपी में जो ए है फर्स्ट टर्म है वो क्या है पी प्लस क्यू माइनस वन है, और कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी में माइनस वन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसकी एनथ टर्म, इसकी क्या प्रूव करनी है बेटा एनथ टर्म, एनथ टर्म क्या हो जाएगी बोलो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, जो nth टर्म होती है किसी भी एपी की वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या बताना, ए पी प्लस क्यू माइनस वन है ना, प्लस
एन माइनस वन इंटू डी क्या बेटा, माइनस वन। अब सॉल्व करना, माइनस एन प्लस वन, वन से वन भी कट हो गया तो रह क्या गया बोलो, पी प्लस क्यू माइनस एन। तो ये मैंने क्या निकाला, एनथ टर्म। और प्रूफ भी क्या करना था, एनथ टर्म पी प्लस क्यू माइनस एन। समझ आ गया सब बच्चों को? तो मैंने एक्चुअल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया। थैंक यू।